उत्तर प्रदेश के आगरा में कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार साइकिल से नामांकन करने पहुंचे हैं। आगरा फतेहपुर सीकरी सीट से सपा कांग्रेस गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार ने आज नामांकन दाखिल किया है। रामनाथ सिकरवार ने मीडिया से बातचीत में कहा, जनता उनके साथ है, भाजपा की कोई लहर उनके सामने नहीं टिकेगी। हम आपको बताते चले कि आगरा में कांग्रेस ने रामनाथ सिकरवार को प्रत्याशी बनाया, जो फतेहपुर सीकरी से प्रत्याशी है। आगरा फतेहपुर सीकरी सीट से सपा कांग्रेस में गठबंधन है, इसके बाद रामनाथ सिकरवार को वहां से प्रत्याशी बनाया गया है। आज रामनाथ सिकरवार ने फतेहपुर सीकरी सीट से नामांकन दाखिल किया है। रामनाथ सिकरवार ने जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जनता उनके साथ है। बड़ा सौभाग्य मिला है कि आर्मी के सिपाही को एक सांसद का चुनाव लड़ने का मौका मिला है पार्टी ने और देश की जनता ने। ये आपसे मैं वादा कर रहा हूँ, देश की जनता से वादा कर रहा हूँ, इस देश में राजनीति में नया बदलाव लाएंगे। और जो शोषक हैं लोग, वो हर जाति में, हर धर्म में, हर पार्टी में, हर समाज के अंदर को शोषक वर्ग के लोग हैं, चाहे अधिकारी हों, नेता हों, जो शोषक वर्ग के लोग हैं इनको शोषण करने में पीछे हटना पड़ेगा। एक वंडरफुल चेंज आएगा। और जैसे सारी एजेंसी जब फेल हो जाती हैं तो आर्मी को बुलाया जाता है, तो अब मैं एक सोल्जर हूँ, एक सोल्जर और सांसद बनेगा तो डेफिनेटली वंडरफुल चेंज आएगा। क्योंकि सांसद एक छोटी पावर नहीं होती है, 140 करोड़ में से 543 सांसद चुने जाते हैं, दो मनोनीत होते हैं, बहुत पावर होती है। अगर सांसद या और भी कोई दलाली करेंगे तो उसकी कोई पावर नहीं होती है। मैंने पहले भी कहा था, इस संसार में कोई नोट नहीं छपा जो रामनाथ को खरीद सके, इस संसार में कोई भय और डर नहीं बना जो रामनाथ को डरा सके। मैं एक थेरेपिस्ट का काम करूंगा अगर मुझे सांसद बनाती है जनता। जैसे थेरेपिस्ट के पास जाइए तो उसके शरीर को पूरे रूप से ठीक करने की कोशिश करता है, ऐसी डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है वो चाहता है कि मेरा मरीज ठीक हो। स्क्वायरली अटैक करूँगा जो मेरे लोगों पर जिस तरह से भी शोषण हो रहा है, और मैं वादा कर रहा हूँ अब एक नया चेंज आएगा। रामानंद जी, आपके क्षेत्र में सबसे अधिक फौजी हैं, तो क्या फौजियों का समर्थन मिल रहा है क्या? सारे फौजी, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार और दो जो सर्विस में हैं वो भी अपने घर पे फोन कर रहे हैं कि फौजी बाबा को जिताइए। और डेफिनेटली लोगों की इच्छा, करोड़ों लोगों की, ये बदलाव आना चाहिए। कि रिश्वत तो पहले भी थी, आज भी है, लेकिन अब लिमिट बहुत हाई हो गई है। पहले रिश्वत लेते समय अधिकारी डरते थे, अब जबरदस्ती अधिकार के तौर पर मांगते हैं। बहुत सारी चीज़ें, एक एग्जाम्पल देखिए।